हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवनीता की रसोई। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेंगोली आलू दम की रेसिपी। आलू दम को कई तरह से बनाया जाता है, पर बेंगोली आलू दम का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। इसे मोस्टली खिचड़ी, राधा बल्लवी, मटर की कचौड़ी, पूड़ी के साथ सर्व किया जाता है। इसका टेस्ट खाने में स्पाइसी और हल्का मीठापन होता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसके स्टेप्स भी काफ़ी सिंपल हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो आलू दम को बेबी पोटैटो से बनाया जाता है। अगर बेबी पोटैटो नहीं है तो छोटे साइज के आलू लें। मैंने यहाँ 500 ग्राम आलू लिए हैं और उन्हें इस तरह से बीच से कट करके लें। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, दो मीडियम साइज के टमाटर जिनको मैंने ग्रेट कर लिया, एक छोटा चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चीनी, 1/4 टीस्पून हींग, और ये कुछ साबुत मसाले हैं, दो तेज़पत्ता, दालचीनी, दो इलायची, दो लौंग। अब सबसे पहले एक फोर्क की हेल्प से आलू में होल करेंगे और उसके बाद इसे मैरिनेट करेंगे। आलू में होल हो गए हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गए हैं, अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। आप चाहें तो इसे पूरा सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल लिया है, और इसे गर्म करेंगे। अब जो आलू हमने मैरिनेट किए थे वो इसमें डालेंगे और ब्राउन कोटिंग आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें बीच बीच में हिलाते रहें ताकि ये सब तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाएं। आलू में ब्राउन स्पॉट आने लगे हैं, इन्हें थोड़ा और फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी सेम पैन में ही बनाएंगे, तो जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो इसमें डालेंगे और हल्का भून लेंगे। अगर आपको ऑयल की ज़रूरत लगे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और हींग भी डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई प्याज भी डालेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इन्हें भून लेंगे। प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और ग्रीन चिल्ली पेस्ट भी डाल देंगे, और इन्हें 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन होता है वो निकल जाए। ये भून चुका है, अब जो टमाटर हमने ग्रेट करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और उसे भी भून लेंगे। वैसे तो आप टमाटर को ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, पर ग्रेट करके लेने से ग्रेवी में थिकनेस आती है। अब इसमें सब मसाले भी डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चीनी और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट तक, या फिर मसाले से ऑयल अलग होने तक इसे बीच बीच में हिलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसाला भून चुका है, ऑयल भी इससे रिलीज होने लगा है। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और साथ में नमक भी डाल देंगे। मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गए हैं, अब इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ 1 कप पानी डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हल्का मिक्स करेंगे और 1 उबाल आने तक इसे पकाएंगे।
सब्जी में उबाल आ चुका है, अब इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। सब्जी को पकते हुए 8 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अब इसे चेक करेंगे। ये बन चुकी है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे हल्का मिक्स भी कर लेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे और गरम मसाला डालेंगे और इसे हल्का मिक्स करेंगे। अभी सब्जी देखने में थोड़ी पतली लग रही है, पर कुछ देर बाद ये ठीक हो जाएगी। अब इसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर पूरी सब्जी में आ जाए। सब्जी को रखे हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अब इसे चेक करेंगे। ये देखने में अच्छी लग रही है और पहले से थिक भी हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बैंगुली आलू दम बनकर तैयार है। इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है जो खाने में अच्छा लगता है। आप इसे चपाती, पराठा, नान, चावल, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।